नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लठ पे। तो बात करें BSTC एग्जाम 2021 से रिलेटेड, तो जैसा कि आपको पता है जो BSTC की परीक्षा हुई वो 31 अगस्त को हुई। तो आप सभी का सवाल है वो यही है कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। आप सभी का मेन सवाल है कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है और आप कितने नंबर तक सेफ हो, ठीक है, आप कितने नंबर तक सेफ हो और आपको कितने नंबर तक आपकी जो मनपसंद कॉलेज है वो मिल सकती है। तो ये सब बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि BSTC एग्जाम से लेकर आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट तक आपकी जो भी न्यूज़ आएगी तो हम आपके बीच में वीडियो बनाकर जरूर लेकर आएंगे। ये चैनल आपको आगे बहुत काम आएगा, इसलिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो BSTC की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है, ठीक है। BSTC की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। अब मान लीजिए कि एक विद्यार्थी के 400 नंबर है, ठीक है, उसने तीन कॉलेज फिल की और एक के नंबर है 380 और उसने मान लीजिए 10 कॉलेज फिल की, तो 380 वाले का नंबर आ जाता है, ठीक है, 380 वाले का नंबर आ जाता है और 400 वाले का नंबर नहीं आता है, ठीक है, 380 वाले का आ जाता है और 400 वाले का नहीं आता है। इसलिए BSTC की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। तो अब हम जो एवरेज कट ऑफ है उस पर नज़र डाल लेते हैं कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो OBC की कट ऑफ है वो क्या रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OBC की कट ऑफ के बारे में। तो OBC के मेल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो OBC की जो मेल की कट ऑफ है वो है 400 नंबर, ठीक है, 400 नंबर तक सेफ है। 400 नंबर तक OBC जो मेल की कट ऑफ है वो 400 नंबर है, ठीक है, 400 नंबर तक सेफ है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं, तो OBC फीमेल में 380 तक, ठीक है, 380 तक सेफ है। OBC फीमेल में 380 तक सेफ है। अब बात कर लेते हैं जनरल के बारे में, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो जनरल जो पहले मेल की बात कर लेते हैं, तो जनरल मेल की कट ऑफ है 440, ठीक है, 440 तक जनरल 440 नंबर आ रहे हैं तो सेफ है, ठीक है, जनरल मेल की कट ऑफ है 440 नंबर तक सेफ है। अब बात कर लेते हैं जनरल फीमेल के बारे में। तो जनरल फीमेल की कट ऑफ है वो है 400, ठीक है, जनरल फीमेल की कट ऑफ है 400 नंबर तक सेफ है। अब बात कर लेते हैं EWS की, EWS की जो पहले बात कर लेते हैं मेल की, तो EWS की मेल की कट ऑफ रहती है 390 प्लस तक सेफ है। EWS मेल की कट ऑफ है 390 नंबर तक सेफ है। और अब बात कर लेते हैं EWS फीमेल के बारे में, तो EWS फीमेल की कट ऑफ रहती है 370 प्लस, ठीक है, 370 प्लस सेफ है, 370 और मेल की 390 प्लस सेफ है। तो अब हम बात कर लेते हैं MBBS की, जो MBBS की कट ऑफ रहती है वो क्या रहती है। तो MBBS की कट ऑफ रहती है मेल की रहती है लगभग 400 प्लस तक सेफ है और फीमेल की रहती है 380, ठीक है, फीमेल की रहती है 380 तक सेफ है। अब हम बात कर लेते हैं SC की, तो SC मेल की है 380 तक सेफ है। और फीमेल की बात SC फीमेल की रहती है लगभग 370 प्लस सेफ है, 370 तक सेफ है। अब बात कर लेते हैं ST की, तो मेल के बारे में बात करें तो मेल की कट ऑफ रहती है 350 और फीमेल के बारे में बात करें तो 330 प्लस सेफ है। तो हम आपको बता दें कि जो OBC जनरल और किसी भी आप कैटेगरी की जो बात कर सकते हो, जो मेल की कट ऑफ से 20 नंबर कम, ठीक है, मेल की कट ऑफ से 20 नंबर कम फीमेल की कट ऑफ रहती है। मान लीजिए आप OBC में 400 नंबर आते हैं, कट ऑफ रहती है मेल की, तो वहीं पे फीमेल की रहती है 380, ठीक है, और जनरल में मान लीजिए मेल की 440 है और फीमेल की 400 है, तो 20 नंबर या फिर 20 या फिर 40 नंबरों का अंतर रहता है। तो वैसे भी कोई ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। आप कहीं पर देख लो कि जो BSTC की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। BSTC की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। हमने आपको बताया कि एक के नंबर आ रहे हैं मान लीजिए आप 380, उसने दो कॉलेज फिल की, ठीक है, वो सोच रहा है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, और एक के आ रहे हैं 350, ठीक है, और उसने कॉलेज फिल की लगभग 5, तो 350 वाले का नंबर आ जाता है और 300
80 वाले का नंबर नहीं आता है। तो इस प्रकार जो BSTC की कट ऑफ है वो कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है। तो बात करें कि रिजल्ट कब आएगा और जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो हम आपको बता दें कि जो रिजल्ट है वो परीक्षा से लगभग एक महीना तो मान के ही चलो, एक महीने बाद रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आपके एग्ज़ाम 31 अगस्त को ही, तो आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने के अंदर, ठीक है, सितंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है सितंबर के अंदर। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि BSTC एग्जाम से जुड़ी कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके बीच में वीडियो बनाकर जरूर लेकर आएंगे। ये चैनल आपके लिए आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, BSTC छात्रों के लिए चैनल आपके लिए आगे बहुत काम आएगा। तो अब हमने आपकी जो कट ऑफ है वो बता दिए सभी की, तो अब बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के अंदर आ सकते हैं और आपकी जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं रहती है, ठीक है। हम तो बस एवरेज बता रहे हैं कि इतने नंबर तक आप सेफ हो, ठीक है, इतने नंबर तक आप सेफ हो। तो इसी प्रकार कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है, तो इस बार जो फॉर्म है वो काफ़ी कम भरे गए हैं, तो ऐसे में आपकी जो मनपसंद कॉलेज है वो आपको मिल सकती है। तो धन्यवाद, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट।